तो इसकी जो फुल हाईएस्ट मैक्सिमम स्पीड है वो 4000 तक है यानी 4000 तक है, और जो मिनिमम यानी कम से कम जो स्पीड है वो है इसकी 200 तक। तो देखिए मैंने स्विच को ऑन किया तो इसकी लाइट ऑन हो गई। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, सर हमें कौन सी सिलाई मशीन खरीदनी चाहिए, अम्ब्रेला मशीन खरीदनी चाहिए या हाफ सेटल छोटी मशीन खरीदनी चाहिए, या किस कंपनी की मशीन खरीदनी चाहिए, या ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह की इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन खरीदनी चाहिए। तो आज मैं आपके लिए एक इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन का रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर चेक कर रहा था, जो इस तरह का पतला कपड़ा होता है जिसको हम स्ट्रेचेबल कपड़ा भी कह सकते हैं, ये देखें, ये खींचने वाला कपड़ा होता है ना, तो जो इस तरह के कपड़े होते हैं जैसे कि लाइक्रा या लाइलून टाइप के कपड़े होते हैं, जो पतले कपड़े होते हैं, तो उन कपड़ों पर हमारी मशीन अक्सर ख़राब चलती है, या तो लंबे लंबे टाप करती है, टाँके छोड़कर चलती है और साथ में धागा भी तोड़ती है। तो सबसे पहले हम इस मशीन को इसी कपड़े पर ट्राई करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले सिंगल कपड़े पर चलाएंगे, डबल पर नहीं चलाएंगे। ये देखें, आप इसकी आवाज़ पर ध्यान दे सकते हैं, तो आप इसके आवाज़ पर ध्यान दे सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं है। पहले तो आप इसके टाँके की फिनिशिंग देखें, तो पहले तो आप इसका टाँका देखें कितनी फिनिशिंग के साथ में आया है। ये देखें, आप उल्टी साइड से भी देख सकते हैं, ये देखें, तो देखिए इस मशीन ने बिल्कुल भी धागा नहीं तोड़ा है और बिल्कुल भी टाप नहीं किया है। उसके बाद एक प्रॉब्लम और होती है, जो इस तरह का कपड़ा होता है तो जब हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं ना, ये देखें, इस तरह से डबल करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम इस तरह से कपड़े पर किनार की सिलाई लगाते हैं ना, तो जब ये हमारी नीडल नीचे को जाती है और जब ऊपर को आती है तो कपड़ा सुई के साथ में खिंचकर ऊपर को आने लगता है और मशीन टाप करने लगती है। तो देखिए, हम यहाँ पर किनार पर चलाकर देखते हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हर तरह के कपड़े पर सिलाई करके दिखाएंगे ये मशीन किस तरह से काम करती है। तो अब यहाँ पर आप किनार की सिलाई भी देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में आई है और कहीं भी टाप नहीं किया है और बिल्कुल भी धागा नहीं तोड़ा है। ये देखें, आप इधर से भी देख सकते हैं, तो टाँके की फिनिशिंग जो सीधी साइड से है वही उल्टी साइड से है। तो दोस्तों, देख सकते हैं, ये है मेरी ताइवान की कोजा की न्यू सेविंग मशीन, जिसको हम इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन बोलते हैं। यहाँ पर आप इसकी ब्रांडिंग देख सकते हैं, इस पर कोजा की लिखा है, फ्रंट बैक में हर जगह से इसकी ब्रांडिंग दी गई है, सब जगह कोजा की लिखा है। तो आपने इस मशीन को कैसे परचेज करना है, कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा। पहले हम आपको इस मशीन के सारे फीचर्स बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसकी डिस्प्ले दी गई है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस पर बहुत सारे बटन दिए गए हैं। तो अगर आप ये वाले बटन देखेंगे तो ये अप एंड डाउन के लिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसकी स्पीड दी गई है, तो ये 4000 यानी 4000। तो इसकी जो फुल हाईएस्ट मैक्सिमम स्पीड है वो 4000 तक है यानी 4000 तक है, और जो मिनिमम यानी कम से कम जो स्पीड है वो है इसकी 200 तक, ये देखें 200 तक। तो अगर हम ये वाला बटन प्रेस करते हैं तो इससे हम इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं यानी डाउन कर सकते हैं, और अगर हम ये वाला बटन दबाते हैं यानी कि ऊपर वाला बटन प्रेस करते हैं तो इससे स्पीड बढ़ जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, यहाँ से स्पीड को कम या ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद जो ये वाले दो बटन दिए गए हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पर लिखा है पी, और जो नीचे वाला बटन दिया गया है इस पर लिखा है एस। तो अब बात करते हैं जो ऊपर वाले दो बटन दिए गए हैं, पी और एस, इनका क्या मतलब होता है और ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो जो ऊपर वाला बटन दिया गया है इस पर पी लिखा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पी लिखा है, तो पी का मतलब होता है प्रोग्रामिंग, यानी कि आप कोई भी प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। तो ये जो एस दिया गया है, एस का मतलब होता है सेव यानी कि सेलेक्ट, ठीक। तो इन चार बटनों के बाद अब बात करते हैं जो ये वाले दो बटन दिए गए हैं, इनका क्या मतलब होता है। तो अब जो ये वाले दो बटन दिए गए हैं, इनका क्या मतलब होता है, यहाँ भी आप ध्यान से समझ लें। जो ऊपर वाला बटन है, तो इस पर देख सकते हैं निडल का साइन दिया गया है, यानी कि सुई बनी हुई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर भी निडल बनी हुई है इसका। तो ये दोनों बटन किस तरह से काम करते हैं, इन बटनों की जरूरत कब पड़ती है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। स्टिचिंग करते टाइम आपने कब और कैसे इन बटनों का यूज करना है। तो अब देखें, यहाँ पर एक स्विच दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने स्विच को ऑन किया तो इसकी लाइट ऑन हो गई। तो दोस्तों, इसका ये फीचर मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या है, कई बार क्या होता है, लाइट भी होती है फिर भी हमारे बूट पे यहाँ पर सही से उजाला नहीं हो पाता है और स्टिचिंग करने में दिक्कत आती है, खास करके जब ब्लैक कपड़ा होता है ना, ब्लैक टाइप का जो कपड़ा होता है तो वहाँ पर हमें अंधेरा जैसा मालूम पड़ता है। तो इससे क्या होगा, जब आप यहाँ से इसका स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर लाइट ऑन हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर सिलाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इसका लाइट का सिस्टम मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इस तरह से आप देख सकते हैं ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए, हमने ये डबल कपड़ा लिया है, तो पहले मशीन की स्पीड चेक करते हैं इस तरह से। ये देखिए, आप इसकी स्पीड, हाई स्पीड है इसकी, पहले आप इसकी स्पीड नोट करेंगे, हाई स्पीड दोस्तों, मैं कपड़ा भी नहीं संभाल पा रहा हूँ, इस तरह से देख सकते हैं आप। ये देखें दोस्तों, ये उल्टी साइड का टाँका है और ये सीधी साइड का टाँका है, आप फिनिशिंग देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एक कॉटन कपड़ा ले लिया है, तो हम इस कपड़े पर आपको मशीन चलाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम 4000 की स्पीड पर चलाकर दिखाएंगे। ये देखें, इस तरह से डबल किया हमने और यहाँ पर इसकी स्पीड को 4000 तक कर देना है। ये देखें, यहाँ से हमने 4000 यानी 4000 पर कर दिया।
ये देखें दोस्तों, अगर अब आवाज़ की बात की जाए तो मशीन में आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें दोस्तों कि 4000 की स्पीड हो गई और धागा भी नहीं तोड़ रही है। तो ये मशीन बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उसके बाद हम आते हैं 3000 पे। तो देखिए हमने इसकी स्पीड कर देना है 3000। देखिए थोड़ी कम हो गई स्पीड, ये देखें देखिए 3000 की स्पीड हो गई। तो 2500 की स्पीड भी देख सकते हैं, अब यहाँ पर थोड़ी और कम हो चुकी है। तो 2400-2500 की स्पीड मैक्सिमम यानी ठीक रहती है। उसके बाद हम आते हैं 1500 पे। तो देखिए हमने इस तरह से, देखिए हमने 1500 कर दिया, ये देखें अब 1500 की और कम हो गई है। आप इसके आवाज़ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है मशीन में, बिल्कुल भी नॉइस नहीं है। तो देखिए उसके बाद हम आते हैं 1000 की स्पीड में। देखिए हमने 1000 सेट कर दिया है, ये देखें अब 1000 की स्पीड कम होती जा रही है, ये देखें। तो ये जो बिल्कुल नए बिगिनर्स हैं जो जीरो से सीखते हैं उनके लिए 1000 की स्पीड बहुत बेस्ट है। वो लोग 1000-1200 पे सेट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सिलाइयाँ लगा सकते हैं, ये देखें दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं 500 की स्पीड में। ये देखिए 500 कर दिया हमने। अब देखें 500 की स्पीड कितनी कम है। तो 500 पे चलाने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, होता क्या है कई बार हमको मशीन बहुत धीरे चलाना होती है तो हम 500 पे चला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ये मशीन 70% पावर ऑफ के साथ दी गई है, यानी कि 70% आपकी लाइट की बचत करेगी। तो आपकी लाइट यानी आपकी बिजली की बहुत बचत होगी यहाँ पर, ये देखें। उसके बाद अब हम आते हैं सबसे कम यानी कि 200 पे आते हैं, डायरेक्ट 200 पे आ गए हम। अब आप 200 देखें, ये देखें दोस्तों। तो यानी कि मैंने यहाँ पर फुल एक्सीलेटर दबा रखा है और ये मशीन ये 200 पे चल रही है, देखें। तो 200 की ज़रूरत भी पड़ जाती है कभी कभी। होता क्या है जब हमारे कढ़ाई वाले सूट होते हैं या कोई नेक होता है या कहीं पर हमको एक एक दो दो टांके लेना पड़ते हैं, तो उस पर हमें यहाँ पर इस तरह से मशीन चलाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसके लिए ये मशीन बहुत ही बेस्ट है। अगर आप यहाँ पर 300 पर चलाएंगे तो 300 भी वही बात रहेगी, 200-300 में कोई खास फ़र्क नहीं है, ये देखें। तो ये 200-300 की स्पीड रही। तो दोस्तों जैसा कि मुझे उम्मीद है आपने इसकी सारी स्पीड देखी ली, जैसा कि मैंने आपको 4000 से लेकर 200 तक की स्पीड दिखा दी है। पर आप यहाँ पर अगर ये वाला बटन ऑन करेंगे तो इससे क्या होगा, आप एक एक टांका करके भी ले सकते हैं, ये देखें। उसके बाद देखिए मैंने एक दुपट्टा ले लिया है। दुपट्टे का कपड़ा बहुत ज़्यादा पतला होता है, जालीदार कपड़ा होता है, तो इस तरह के कपड़ों पर भी मशीन सही नहीं चल पाती है। तो चलिए हम आपको इस दुपट्टे वाले कपड़े पर मशीन चलाकर दिखाते हैं। तो दुपट्टे कपड़े पर हमें इस तरह से कपड़ा फोल्ड करना होता है, कई बार हम पतला फोल्ड करते हैं ना, तो यहीं पर ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से फोल्ड किया हमने, तो ये देखिए दोस्तों दुपट्टे पर भी बहुत ही आसानी से सिलाई लग चुकी है, मशीन ने कोई भी टाप वगैरह नहीं किया है। अब बात करते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी मशीन शुरू में धीरे चले और बाद में स्पीड पकड़े, क्योंकि होता क्या है जब बहुत सारे बिगिनर सिलाई स्टार्ट करते हैं तो मशीन एकदम से स्पीड पकड़ जाती है, तो बिगिनर्स यहाँ पर सिलाई संभाल नहीं पाते हैं तो आड़ी तिरछी होने का खतरा रहता है। तो आपने यहाँ पर क्या करना होगा, तो आप देखें ये जो नीचे वाला बटन दिया गया है यहाँ पर एरो का निशान है, तो हमने यहाँ से इसको प्रेस करना है। देखिए यहाँ पर एरो का निशान आ गया। देखिए पहले तो मशीन यहाँ पर स्टार्टिंग में 3-4 टांके लेगी, स्लो चलेगी, फिर बाद में RPM पकड़ेगी, देखें ये देखें। रोक दी मैंने, अभी देखिए मैं सिलाई फिर शुरू करूँगा, ये देखें। इस तरह से ये भी आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, इसमें बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसानी है। तो ये मशीन न्यू बिगिनर्स के लिए बहुत ही कामयाब है और बहुत ही अच्छी मशीन है। उसके बाद अब मैं आपको बहुत शानदार फीचर बताने वाला हूँ जो मुझे बहुत ही बेस्ट लगा, बहुत पसंद आया। तो देखिए पहले हम सिलाई लगाते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो देखिए हमने सिलाई लगाते हैं ना इस तरह से। अब सिलाई लगने के बाद अब देखिए मशीन रुकी तो इसकी निडल नीचे रुकी, ठीक है ना, आप देख सकते हैं इसकी निडल नीचे है और कभी कभी निडल ऊपर भी होती है। तो अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको समझना होगा आप क्या चाहते हैं कि आप जब भी अपनी मशीन रोके आपकी निडल ऊपर रुकनी चाहिए या नीचे रुकनी चाहिए, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी पसंद है। तो यहाँ पर इसके लिए भी एक फीचर दिया गया है जो मुझे बहुत पसंद आया। वो तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर निडल नीचे बन के आ रही है और हमारी निडल भी नीचे रुक रही है। तो जब हम इस वाले बटन को प्रेस करेंगे, इस तरह से दबाएंगे, तो देखिए जो निडल है ना, ये जो सुई बनी है, तो ये निशान ऊपर चला जाएगा, ये देखें अभी ऊपर आ गया ना। तो इससे क्या होगा, आप जब भी सिलाई स्टार्ट करेंगे और मशीन रुकेंगे तो आप देखिए आपकी मशीन की सुई ऊपर रुकेगी। तो देखिए मैंने यहाँ से मशीन की सुई को ऊपर कर रखा है, यहाँ पर ऊपर बन के आ रही है। अब मैं अगर दोबारा से दबाऊँगा तो ये नीचे पहुँच चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, जब भी मशीन रुकूँगा तो देखिए सुई नीचे रुकेगी, ये देखिए सुई नीचे रुक रही है। अगर मैं दोबारा से इसको प्रेस कर दूंगा तो आप देखिए सुई ऊपर रुकेगी, ये देखें ऊपर है ना, ये देखें ऊपर है ना, ये देखें ऊपर है। अगर मैं फिर से प्रेस करूंगा तो ये नीचे रुकेगी, ये देखें, ये देखें ये नीचे रुकेगी, ये देखें। इस तरह से ये बटन काम करता है। दोस्तों इस मशीन का एक फीचर और है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये फीचर बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वो फीचर क्या है, पहले यहाँ पर आप ध्यान से देखें। तो जैसे कि मान लीजिए हम ये सिलाई लगा रहे हैं, ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाना शुरू की, देखें। उसके बाद हम यहाँ से कपड़ा इस तरह से फोल्ड करते हैं,
ये देखें। तो अब हमें यहाँ पर मशीन बहुत धीरे चलाना होती है, अगर हम मशीन तेज चलाएंगे तो हमारी सिलाई नीचे उतर सकती है। तो कई बार क्या होता है, जब एक या दो टाके लेना होते हैं और हमें यहाँ पर मशीन धीरे चलाना होती है, तो उसके लिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार फीचर दिया गया है जो ये वाला बटन है ना। तो देखिए हम इस वाले बटन को दबाएंगे, ये देखें मशीन की सुई एक बार ऊपर उठी, दोबारा फिर दबाया सुई नीचे हो गई, फिर देखें फिर ऊपर उठी फिर नीचे। तो इस तरह से आप इस बटन के जरिए एक एक टाका करके ले सकते हैं। उसके बाद हमने फिर से मोड़ देना इस तरह से और हमने अपनी सिलाई लगाना शुरू कर देना है। ये देखें इस तरह से जितनी बार दबाएंगे सुई उतनी बार ऊपर नीचे होगी, ये देखें इस तरह से। तो ये तो बात हो गई जो नॉर्मल कपड़े होते हैं जो लेडीज टेलर होते हैं उनके लिए। अब बात करते हैं जो लोग मोटे कपड़े सिलते हैं, जैसे कि जो लोग जेंट्स टेलरिंग करते हैं, पैंट सेट, कोट पैंट, सफारी सूट। तो देखिए मेरे पास ये पैंट का कपड़ा है, तो देखिए मैं इस पैंट वाले कपड़े पर स्टिच करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये मशीन हर तरह के कपड़े पर चल जाती है। तो देखिए मैंने इस कपड़े को डबल किया इस तरह से, उसके बाद फिर डबल किया तो ये 4 लेयर में हो गया, उसके बाद मैंने फिर से डबल किया तो ये 8 लेयर में हो गया। देखिए हम 8 लेयर में चलाएंगे इसको, देख सकते हैं कितना मोटा कपड़ा हो चुका है। तो ये देखें कितनी आसानी से मशीन चल रही है, ये देखें। तो इसको आप किसी भी तरह के कपड़े पर चला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप, तो चाहे आप जेंट्स टेलर हो चाहे आप लेडीज टेलर हो, सभी तरह के कपड़े पर ये मशीन चल जाती है। बहुत ही आसानी से मशीन चल रही है और मशीन में आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नॉइस नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने मोटे कपड़े पर हमारी मशीन चल गई है, कुछ इस तरह से। ये देखिए कितना मोटा कपड़ा है। अब मैं आपको यहाँ पर एक फीचर और दिखाना चाहूँगा जो बहुत सारे बिगिनर्स को नहीं पता होता है। तो दोस्तों जो ये वाला सिस्टम दिया गया है, इससे क्या होता है हमारा बूट प्लेजर उड़ जाता है, यानी कि जो मशीन का जो ये वाला बूट होता है ना, तो जब हम इसको इस तरह से अपने घुटने से दबाएंगे, इधर क्लिक करेंगे तो हमारा बूट उड़ जाएगा। देखिए हमने इस तरह से दबाना होता है, ये देखें। तो देखो जब हम इस तरह से दबाते हैं तो बूट ऊपर उड़ जाता है, मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा। तो देखिए मैं इस टाइम घुटने से दबा रहा हूँ तो ये बूट उठ रहा है, और जब मैं यहाँ से घुटना छोड़ दूंगा तो ये बूट नीचे चला जाएगा इस तरह से। अब आप देखें, ये देखें, अब आप दोनों चीज़ें एक साथ देखें पहले। तो देखिए अब मैं घुटने से इस तरह से बूट को दबा रहा हूँ, तो देखिए बूट ऊपर उठा, मैंने छोड़ा बूट नीचे गया, मैंने दबाया बूट उठ गया और छोड़ा बूट नीचे आ गया। तो इस तरह से आप बूट को नीचे ऊपर कर सकते हैं, यहाँ से हमारी मशीन स्टार्ट होती है। देखिए आप इस तरह से दबाएंगे तो हमारी मशीन चलने लगेगी इस तरह। तो अब यहाँ पर आप कपड़े की तरफ देखिए, मैंने इस तरह से प्रेस किया, ये देखिए कपड़ा आगे जा रहा है ना, ये देखें इस तरह से हमारी मशीन चल रही है। और पैर हटाते ही मशीन रुक जाती है, चल गई रुक गई, चल गई रुक गई, इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप बूट को उठा सकते हैं, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका बूट उठ जाएगा, अगर आप नीचे कर देंगे तो बूट नीचे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं जो ये वाला सिस्टम दिया गया है, ये जो रेगुलेटर है ये किस तरह से काम करता है, ये किस काम में आता है, इसको भी समझ लीजिए आप। इसको अगर हम इधर को घुमाएंगे तो हमारी सिलाई छोटी हो जाती है, अगर हम इधर को घुमाएंगे तो आपकी सिलाई बड़ी हो जाएगी। यहाँ से आप अपने चॉइस के हिसाब से सिलाई को छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक फीचर और दिखाता हूँ। उसके बाद जो ये वाला सिस्टम दिया गया है, ये किस काम में आता है, इससे क्या होता है हम सिलाई को आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि बैक कर सकते हैं। तो ये रिवर्स गियर दिया गया है, जब हम सिलाई शुरू करते हैं ना, तो क्योंकि हमने सिलाई को यहाँ पर लॉक करना होता है, तो सिलाई के स्टार्टिंग में देखिए हमने सिलाई शुरू की और देखिए हम इसको रिवर्स को दबाएंगे, देखिए हम इसको दबाएंगे तो सिलाई बैक हो जाएगी, ये देखें। तो देखिए अब ये सिलाई आगे को जा रही है ना, कपड़ा आगे जा रहा है, जब हम इसको दबाएंगे तो कपड़ा बैक हो जाएगा, ये देखें। इस तरह से ये सिलाई को आप लॉक कर सकते हैं, देखिए कपड़ा आगे जा रहा है ना, तो जब मैं इसको दबाऊंगा तो सिलाई बैक हो जाएगी, ये देखें इस तरह से, ये देखें आगे पीछे हो रही है ना, इस तरह से आप सिलाई को लॉक कर सकते हैं, कच्चा पक्का कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं जो ये वाला सिस्टम है, यहाँ पर ये जो नंबरिंग दी गई है और ये रेगुलेटर इस तरह से घूम रहा है, तो ये किस तरह से काम करता है, इसका क्या मतलब होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो प्लेटें दी गई हैं, तो इन प्लेट के बीच से धागा निकल कर जाता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, धागे को टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, इधर को टाइट होगा इधर को लूज होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ताइवान ब्रांड की कोजा की शेविंग मशीन है। तो आइए अब हम इसके और भी फीचर्स के बारे में नज़र डाल लेते हैं और हम आपको ये भी बताएंगे इसके साथ में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं, और हम आपको लास्ट में ये भी बताएंगे इस मशीन में सुई में धागे कैसे डाले जाते हैं और इसकी बॉबिन कैसे भरी जाती है और इसका ऑयल चेंज कैसे किया जाता है। तो आप इसका लुक देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और ब्यूटीफुल मशीन लग रही है, और यहाँ से इसके धागे डाले जाते हैं। तो आप इसका ये सिस्टम भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसकी ब्रांडिंग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ब्रांडिंग दी गई है इसकी, और ये इसका वायर है जो हम बोर्ड में लगाते हैं, ये देखें। उसके बाद अब मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, फ्रंट में देखिए आप, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं फ्रंट में कोजा की लिखा है, और मैं आपको अगर साइड से दिखाऊंगा, ये देखें, तो यहाँ भी इस पर कोजा की लिखा है, और अगर आप यहाँ से देखेंगे अब देखें आप कितनी ब्यूटीफुल और खूबसूरत है। तो पहले तो आप इसकी डिस्प्ले देखिए, इसकी डिस्प्ले कितनी खूबसूरत लग रही है, और मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखाऊंगा। तो देखें ये है इसका मॉडल नंबर, तो इसका मॉडल नंबर है कोजाकी KZ 9100D1। तो ये इसका मॉडल नंबर है।
आप ध्यान से देख लीजिए, तो इसको हम इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन बोलते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो शीशा दिया गया है, इस शीशे का ये मतलब होता है जब आप मशीन चलाते हैं ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल इस तरह से आपको शो हो रहा है, यानी कि दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी मशीन में ऑयल कम हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ऑयल दिखाई नहीं देगा। ये देखिए यहाँ पर कितनी आसानी से ऑयल दिख रहा है, मैंने फुल स्पीड कर रखी है। उसके बाद जो ये वाला सिस्टम है ये किस काम में आता है वो भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए हमने बॉबिन भरना है, तो यहाँ पर बॉबिन भरने का सिस्टम बहुत अच्छा दिया गया है, तो यहाँ से इसकी बॉबिन भरी जाती है। तो हमने बॉबिन को किस तरह से भरना है वो भी आप देख लीजिए। तो ये देखें, पहले हमने रील को यहाँ पर लगा दिया, उसके बाद जो यहाँ पर होल दिया गया है, उसके बाद हमने इस वाले होल से धागा निकाल लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर धागा डालने के बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ से धागा डालना है इस तरह से। ये देखें, ये जो बीच में प्लेट दी गई है, इन प्लेट के बीच में धागा फंसा लेना है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से फंसाने के बाद अब आपने इस वाले होल में नहीं डालना है। ये देखें, इस तरह से हमने बॉबिन में धागे को लगा दिया, और आप यहाँ भी देख सकते हैं इस तरह से धागा डालने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर बॉबिन को इस तरह से लगाएंगे और नीचे को दबा देंगे। ये देखें, उसके बाद ये वाला लॉक दिया गया है, तो आपने क्या करना है, इस लॉक को इस तरह से दबा देना है। अब यहाँ पर आप देखें, इस तरह से हमने लगा दिया ना, ये देखें, इस तरह से लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, मशीन को चलाना है। तो देखिए, हमने यहाँ से इस तरह से, तो अब हम जब एक्सीलेटर दबाएंगे, तो अब देखिए एक्सीलेटर दबाते ही अब आप यहाँ पर देखिए ये बॉबिन भर रही है। अब मैं मशीन रोककर आपको एक बात और बताऊंगा, जब आपकी बॉबिन फुल हो जाएगी, भर जाएगी, तो ये अपने आप ही इसका लॉक पीछे को हो जाएगा, और समझ लीजिए आपकी बॉबिन भर गई। ये देखें, मैंने स्पीड कम कर रखी है, ये देखें हो गया ना, तो लॉक अपने आप ही पीछे को हो गया, तो समझ लीजिए इसकी बॉबिन भर चुकी है। उसके बाद अब यहाँ पर एक फंक्शन और दिया गया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ब्लेड दिया गया है। तो अब बॉबिन भरने के बाद जब हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे, तो ये धागा अपने आप ही कट जाता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरह से। ये देखें कितनी आसानी से धागा कट जाता है, आप दोबारा से देखिए, इस तरह से डाला, और ये देखें इस तरह से धागा यहाँ से कट जाता है, तो ये ब्लेड यहीं पर धागा काटने के काम में आता है। तो आइए अब हम आपको इसका धागा डालना बताते हैं। सबसे पहले हमने नलकी को यहाँ रखना है, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं, इस साइड में रख सकते हैं, आप चाहें तो इस साइड में रख सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पर रख दिया, ये देखें इस तरह से धागा डाल लिया ना, उसके बाद इस तरह से डालेंगे, ये देखें, उसके बाद जो बाहर वाला ये होल है, उसके बाद हमने इस वाले होल में डालना है, ये देखें। अब जो ये वाला पार्ट है, हमने इसके ऊपर वाले होल में धागा डालना है, तो इन प्लेटों के बीच में हमने इस तरह से डालना है, ये देखें इस तरह से डाल दिया ना। उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे को आना है, उसके बाद यहां पर एक होल दिया गया है, इस होल में धागा डालने लगा हमने, तो देखें इस तरह से धागा डालने के बाद अब जो यहाँ पर दो प्लेटें दी गई हैं, ये देखें, ये जो टांसन वाला तार है, यहाँ पर दो प्लेटें दी गई हैं, तो इन प्लेटों के बीच में हमने धागा फंसाना है इस तरह से, और ये जो तार दिया गया है, इस तार के बीच में लेकर आना है। उसके बाद जो ये वाला पार्ट दिया गया है, इसके नीचे हमने लेकर आना है, ये देखें इस तरह से लाने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लॉक दिया गया है, इस लॉक के बीच में फंसाना है। उसके बाद जो ये वाला सिस्टम है, यहाँ पर धागा डालना है हमने, ये देखें इस तरह से धागा डालने के बाद अब देखें यहाँ भी एक लॉक दिया गया है, तो इस लॉक में हमने इस तरह से धागा फंसा देना है, ये देखें। अब देखें यहाँ भी एक लॉक दिया गया है, तो इस लॉक में भी हमने धागा फंसा देना है इस तरह से, ये देखें, यहाँ भी इस तरह से धागा डाल लेना है, ये देखें यहाँ भी हमने धागा डाल दिया ना, ये देखें हमने डायरेक्ट नेडल में धागा डाल देना है, ये देखें। तो अब देखें ये हमारी बॉबिन केस है, तो अब हमने क्या करना है, ये वाली प्लेट दी गई है, यहाँ पर हमने बॉबिन को लगा देना है जिस तरह से हम नॉर्मल मशीन में लगाते हैं। अब देखिए हमने धागा कैसे उठाना है ऊपर को, तो देखें ये जो व्हील दिया गया है ना, तो हमने इस व्हील को घुमाना है इस तरह से, अब हमने निडल को नीचे करना है। तो देखिए हमने व्हील को इस तरह से पकड़ रखा है, और ये इसकी निडल नीचे को जा रही है, ये देखें। अब जब निडल ऊपर को आएगी, तो नीचे का धागा साथ में ऊपर आ जाएगा, ये देखें कितनी आसानी से धागा ऊपर आ गया, ये देखें। तो आप यहाँ से इस तरह से इसके लाइट को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका पूरा फुल लुक दिखाने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर आप इसके पटले की लंबाई चौड़ाई देख सकते हैं, जो नॉर्मल मशीन का पटला होता है उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसके पटले की जो मोटाई है, तो जो हमारी नॉर्मल अम्ब्रेला मशीन होती है उसके हिसाब से इसका पटला बहुत ज़्यादा मोटा है, और साइज़ में भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस पर देखिए कितना स्पेस दिया गया है, और यहाँ पर आप अपने बहुत सारे सामान रख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये चौक रखा है, ये बॉबिन है, डिब्बी हैं, और ये हमारा कटर है, और मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, ये देखें। तो यहाँ भी इस पर बॉक्स दिया गया है, तो मुझे साथ में क्या क्या मिला है, एक पेज का ये वाला मिला है स्क्रू ड्राइवर बड़ा वाला, और ये मझला वाला स्क्रू ड्राइवर हो गया मीडियम वाला, और ये सबसे छोटा वाला, और मुझे साथ में एक निडल का पैकेट मिला है,
और इसके साथ में जो मुझे मिला है वो इसके ऑयल की एक कैन मिली है, यानी कि ऑयल का डिब्बा भी मुझे साथ में मिला है। और इस पर आप ये जो नंबरिंग देख रहे हैं तो ये एक तरह से मेजरिंग टेप है, यानी कि इंची टेप है, ठीक है। ये पक्का प्रिंटेड है, यहाँ पर कोई भी स्टिकर वगैरह नहीं दिया गया है, तो ये छूटने वाला नहीं है, बहुत ही अच्छा पक्का प्रिंटेड दिया गया है। तो ये इंची टेप पूरे 1 मीटर का दिया गया है, तो यहाँ पर आप बिना मेजरिंग टेप पास में रखे हुए इसका यूज करके मेजरिंग टेप का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप स्टैंड पर नजर डालेंगे तो इसका स्टैंड बहुत ही मजबूत और बहुत ही ब्यूटीफुल पावरफुल स्टैंड है इसका, और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ऊंचा नीचा कर सकते हैं। जो यहाँ पर इसके नट दिए गए हैं तो इन नट को खोलकर आप ऊंचा भी कर सकते हैं और नीचा भी कर सकते हैं, आप इस तरह से देखें। और साथ में जो ये वाले पार्ट दिए गए हैं ना, ये जो गोल गोल दिख रहे हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो इनका फायदा ये होता है, कई बार होता क्या है, कई बार जो हमारा फर्श होता है वो ऊंचा नीचा होता है, तो अगर फर्श ऊंचा नीचा है तो आप यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं, जितना चाहे ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी मोटर दी गई है, ये इसका व्हील है, ठीक है, और ये इसका स्विच दिया गया है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब आप यहाँ से देखें, ये इसकी वायरिंग दी गई है, ये देखें इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आप नीचे से देखेंगे, मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ, तो ये इसका एक्सीलेटर है, ये देखें जो यहाँ से कनेक्शन होता है, तो ये इसका एक्सीलेटर कुछ इस तरह से है, ये देखें। तो इसकी अगर वायरिंग की बात की जाए तो वायर बहुत ही मजबूत हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के वायर दिए गए हैं, और यहाँ पर इसकी मोटर दी गई है। अब बात करते हैं, अगर जैसे कि आपको ऑयल चेंज करना है, यानी कि इस मशीन का तेल बदलना है, तो आपने किस तरह से बदलना है, तो देखें हमने मशीन को यहाँ से इस तरह से पकड़ना है और हमने पीछे को इस तरह से उठाना है, ये देखें, तो ये कितनी आसानी से उठ गई, ये देखें, तो आप इसका ऑयल देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ, आप सोचते होंगे मशीन रुकी कहाँ है, तो आप पहले ये भी देख लीजिए, तो यहाँ पर जो ये वाला सिस्टम दिया गया है इस पर मशीन रुक जाती है। तो अब ऑयल की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर ऑयल कितना होना चाहिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है हाई और ये लिखा है लो, तो यहाँ पर ये जो हाई और लो लिखा है इसका ये मतलब है कि ये जो हाई लिखा है इससे ऊपर तेल नहीं जाना चाहिए और जो लो लिखा है इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी कि अगर इस लो से तेल नीचे हो गया यानी कम हो गया तो समझ लीजिए आपने तेल बढ़ाना यानी चेंज करना है, और ये जो हाई जो है अगर आप हाई से ऊपर कर देंगे तो मशीन चलते टाइम तेल बाहर को भी आ सकता है, तो इसलिए आपने हाई से ज्यादा नहीं करना है। तो आपने ये कैसे पता लगाना है कि हमने ऑयल चेंज कब करना है, तो जब ऑयल का रंग गोल्डन हो जाए यानी पीले कलर का हो जाए तो समझ लीजिए आपने ऑयल चेंज करना है। तो इस तरह से आप ऑयल चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप ऑयल को निकाल सकते हैं, जो ये वाला नट दिया गया है यहाँ से आप इस नट को खोलेंगे और मैं आपको नीचे दिखाना चाहूंगा, तो यहाँ से आप कोई भी कैन वगैरह लगा करके पुराने ऑयल को निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ भी स्पेस दिया गया है इसके, फिर उसके बाद हमने मशीन को दोबारा से ऐसे ही रख देना है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, मशीन पहले जैसी सेट हो जाएगी, ये देखें। तो दोस्तों ये ताइवान ब्रांड की कोजा की शेविंग मशीन है, तो एक बार हम इसके मॉडल नंबर पर फिर से नज़र डाल लेते हैं। तो इसका मॉडल नंबर कुछ इस तरह से है, कोजा की KZ9100D1। तो दोस्तों ये था ओवरऑल एक रिव्यू ताइवान ब्रांड की कोजा की शेविंग मशीन का, जो कि अभी रिसेंटली मैंने इस मशीन को परचेज किया है। तो अगर आप लोग भी इस मशीन को परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो हमने डिस्प्ले पर अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके इस मशीन को खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मशीन मुझे तो बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब मैंने ये मशीन चलाई और मैंने इस मशीन के सारे फीचर्स देखे तो मुझे ये मशीन बहुत पसंद आई। और इस मशीन से एक फ़ायदा ये भी है, आपके टाइम की बहुत बचत है, कम टाइम में इस पर कपड़ा बन जाता है, और दूसरी बात ये बिजली की बहुत ज़्यादा बचत है, 70% बिजली की बचत दी गई है इस पर। और अगर बात की जाए इस मशीन के आवाज़ की, इस मशीन के नॉइज़ की, तो इस मशीन का आवाज़ भी बहुत कम है, और इसके मटेरियल की बात की जाए तो ये बहुत मजबूत मशीन है। तो मेरी राय तो यही है, अगर आप लोगों के पास बजट है तो आप लोग इस मशीन को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी मशीन है। अगर आप रेगुलर स्टिचिंग करते हैं, रेगुलर टेलरिंग करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये मशीन बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आप देख सकते हैं इसका लुक देख सकते हैं, इस पर ब्रांडिंग देख सकते हैं, कितनी अच्छे से इसकी ब्रांडिंग की गई है। फ्रंट से आप इस मशीन का लुक देख सकते हैं, कोजा की लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये धागे लगाने का सिस्टम दिया गया है, ये देखें। फिर उसके बाद आप नीचे से इस मशीन का लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखती है, ये देखें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।